लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ का पीआईसी में तिब्बी मुआयना। प्रोफेसर शाहिद हमीद की सरबराही में डॉक्टरों की तीन रुकनी टीम दिल के मुख्तलिफ टेस्ट करने में मसरूफ। नवाज शरीफ की ईसीजी, एको और दीगर टेस्ट होंगे। जेल हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी हसार में नवाज शरीफ को जेल से पीआईसी मुंतकिल किया। सानहा साहिवाल का जिम्मेदार कौन? सबको हुकूमती फैसले का इंतजार। जीआईटी रिपोर्ट आज शाम 5 बजे आएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साहिवाल वाके पर शाम 5 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। सूबाई वजीर कानून, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और महकमे दाखिला के अफसरान शरीक होंगे। जीआईटी रिपोर्ट का जायजा लेकर अहम फैसलों का ऐलान मतवक्के। सानहा साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाप्त। हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को 24 जनवरी को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। सानहा साहिवाल की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई? आईजी पेश होकर वजाहत करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अकेला जुडिशल कमीशन कैसे कायम कर सकता है? सूबाई हुकूमत की सिफारिश से ही जुडिशल कमीशन कायम होता है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार को दफाई हुकूमत से रजू करने की हदायत। पानामा केस में नाअहली के बाद नवाज शरीफ को अपील का हक ना देने पर इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में दो रुकनी बेंच आज अपील पर समाअत करेगा। गोशवारे जमा कराने पर 56 मुअत्तल अरकान असम्बली की रुकनियत बहाल। सूबाई वजीर हाशिम डोगर, मलिक अहमद खान, मोहम्मद अमीन, मलिक मोहम्मद रियाज की रुकनियत बहाल। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी। बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियार और फंड्स ना देने के खिलाफ केस। हाईकोर्ट ने डेप्टी कमिश्नर, लॉर्ड मेयर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिए। 29 जनवरी को जवाब तलब। महकमे स्कूल एजुकेशन की स्कूलों में खेलों के फरोग के लिए हंगामी इकदाम करने की हिदायत। हफ्ते में 3 रोज पीरियड्स खेलों की सरगर्मियों के लिए मुख्तस। स्पोर्ट्स टीचर को स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट मुहैया किया जाए। खेलों के सामान के लिए स्पोर्ट्स रूम्स भी मुख्तस होंगे। स्कूल सरबराहान को मुरासला। शोहरत याफ्ता क्रिकेटर हूं, कई माह से बैरून मुल्क मुकीम, अपनी बीवी और बच्चे से मुलाकात नहीं कर सका। क्रिकेटर शाहजेब हसन ने नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए हाईकोर्ट से रजू कर लिया। एफआईए और पीसीबी समेत किसी महकमे में केस जेरे इल्तवा नहीं। दरख्वास्त में मौकफ, ईसीएल से नाम निकालने की इस्तदा। नेशनल लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स का तलबा के हमरा हाईकोर्ट का दौरा। मुख्तलिफ शोबा जात देखे, बुक मेले का दौरा भी किया। इंतजामिया की तलबा को अदालती अमूर पर ब्रीफिंग।